नमस्कार। अश्रु मैया की जय, राम राजा सरकार की जय। मैं डॉक्टर शिषपाल यादव, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र 45 पृथ्वीपुर से विधानसभा चुनाव 2023 में विजय हुए श्री नितेन सिंह राठौर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही उनको इस विजय संकल्प तक जिन साथियों ने उन्हें पहुंचाया है, उन सभी साथियों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त देवतुल कार्यकर्ता साथियों से और विधानसभा क्षेत्र 45 पृथ्वीपुर की जनता जनार्दन से बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपना अशेष आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम और ताकत देकर के विधानसभा क्षेत्र 45 पृथ्वीपुर से 83,938 मत दिए हैं। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज आपका है। इस कर्ज को अदा करने के लिए मैं तन मन धन से खून और पसीने के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबके स्नेह आशीर्वाद से जो मत मुझे प्राप्त हुआ है, इस मत के सम्मान की खातिर मैं आपके सम्मान में चौकीदार की भांति पहले जैसे खड़ा रहा हूं, उसी भांति फिर भी खड़ा रहूंगा और आपके सम्मान में, आपके काम में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपका कोई भी काम मेरा व्यक्तिगत काम होगा और उस काम को करने के लिए मैं दिन रात तत्पर रहूंगा, भरोसा बनाए रखिएगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये सरकार आपकी सरकार है, आपके हितों की सरकार है और आप सबने मिलकर ये सरकार को बनाया है। इसलिए सरकार बनने के लिए आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले कल में चाहे तो तहसील का काम हो, चाहे जनपद का काम हो, चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय का काम हो, आपकी व्यक्तिगत परिवार की समस्या हो, सारी समस्याओं के निदान के लिए आपका भाई, आपका सेवक, आपका चौकीदार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डॉक्टर शिषपाल यादव हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, विश्वास बनाए रखिएगा। इस अवसर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भयभीत मत होना, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मुझे पता चला है कि मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लोग या जिनके मन में बहुत गंदगी भरी हुई, ऐसे लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की गीदड़ भक्तियां देना छोड़ दें। कानून बहुत सख्त है, जेल की दीवारें बहुत लंबी हैं, जेल की दीवारें बहुत ऊंची हैं, जेल के अंदर सड़ जाएंगे गलत करने वाले। मुझे पता चला है कि मेरे वार्ड नंबर 9 में रहने वाले युवा साथी कार्यकर्ता मयंक शुक्ला को भी कुछ लोगों ने धमकियां दी हैं। तो धमकी देने वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि मयंक तो वार्ड नंबर 9 में ही रहते हैं, उनका पता मैं बता दे रहा हूं, उनसे जाकर के आप मिल लीजिएगा। लेकिन आप अपना भी पता और सब ध्यान रखिएगा कि पुलिस आपको भी खोज लेगी और जेल की दीवारें आपके लिए बनी हुई, इसलिए गलती मत कर दीजिएगा। मयंक तो एक उदाहरण है, अगर किसी भी कार्यकर्ता को आपने इस तरह की किसी हिम्मत करने की कोशिश की ना, जेल की सलाखों के अंदर आप रहेंगी। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः अपने देवतुल कार्यकर्ता साथियों को, अपने मतदाता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपने जो आशीर्वाद दिया है उस ऋण को मैं हमेशा अदा करने के लिए तत्पर रहूंगा। इस अवसर पर मैं पुनः कहना चाहूंगा कि डॉक्टर शिषपाल भाजपा का कार्यकर्ता है, अश्रु मैया का भक्त है, राम राजा सरकार का भक्त है, कोई खास फूस का टुकड़ा नहीं है। अगर कोई समझने वाला ऐसा समझता है तो अपनी नासमझी को भी भुला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।